नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कोस्ट गार्ड के अंदर वैकेंसी आ चुकी है और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो डेट है यानी कब से कब फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। मैं आपको जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म है वो 4 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट होने चालू होंगे और 14 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी देखिए, 4 जनवरी से 14 जनवरी तक आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये वैकेंसीज है, जनरल ड्यूटी, उसके बाद डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिकी 02/2022 की बैच की ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। इसके लिए जो कंडीशन रखी गई है, कंडीशन इसमें देखिए क्या रखी गई है। इसमें जो मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मेल कैंडिडेट कर सकते हैं। और जो इसमें वैकेंसीज है वो आपको मैंने बता दिया है, जनरल ड्यूटी की है, डोमेस्टिक ब्रांच की है और यांत्रिकी की है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो एजुकेशन दिया हुआ है वो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 मैथ एंड फिजिक्स के आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की यानी DB की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 10th होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यांत्रिकी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कोई भी डिप्लोमा 10th के साथ, आपके पास कोई भी डिप्लोमा यानी इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन, ये आपके पास जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका देखिए, आपको पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। और इसमें नेक्स्ट एज की बात करें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एज दी हुई 18 से 22, 18 से 22 आपकी जो एज है वो दी गई है। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पर जो रिलेशन है वो भी दिया गया है, SC ST के लिए 5 साल का दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का दिया गया है। यहाँ पर आपको रिलेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए जो नाविक यांत्रिकी के है, 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के जो बीच की एज है वो आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी जो, उसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वैकेंसी कहाँ पर कितनी दी गई है और आपकी जो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो कोई भी आपका जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा और आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में और मिलने वाले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।